डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को हमने अलग से वीडियो के तौर पे बनाया ताकि आप इसको अवश्य देखें, क्योंकि वीडियो आप भगा भगा के देखते हो बीच बीच में ना, इसलिए इसको अलग से बनाया हूँ। आज के टॉपिक का नाम सबसे पहले हम डालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, इसकी हिंदी क्या होती है? महत्तम पूर्णांक फलन। इसको मैं अलग से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप कभी भी जीवन में, कभी भी अपने लाइफ में इसको भूलने वाले नहीं हो। आज मैं इसको बताने वाला हूँ आपको। एक कॉन्सेप्ट अपने आप में है और इसी कॉन्सेप्ट में हमारा जो 12 का मैथ वाला एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19 है ना, इसी कॉन्सेप्ट पर इसको लगाना है। तो इसलिए हमने इसको अलग से वीडियो बनाया ताकि आपके लाइफ के लिए बेहद मस्त टॉपिक हो, कभी भूलो ना, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप BSc करते हो तो इससे बहुत ज़्यादा मुलाकात आपकी होगी। खैर, मुलाकात तो यहीं हो गई। चलो, महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है? पहली बात तो महत्तम पूर्णांक फलन को ना ये जान लो कि जो सिंबल होता है, सिंबल ये बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, इसी के अंदर रखते हैं इसको, महत्तम पूर्णांक फलन को। अरे भाई, नहीं समझे? अच्छा, मान लो कोई फंक्शन fx है, ये ऐसे डिफाइन है। ए लो, fx वास्तव में y को रिप्रेजेंट करता है, नहीं एक्स वास्तव में एक्स अक्ष वाला है और एफ एक्स टोटल क्या है, वाई को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमारा हो गया ए हो, इसी को हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक का सिंबल, बड़ा वाला ब्रैकेट, थोड़ा स्क्वायर टाइप का होता है। चलो इसमें कर, आपको पहले नॉर्मल में बताता हूँ। अगर मान लो कि सबसे पहले नॉर्मल ही बात कर लेते हैं, मान लो कोई कहता है कि 1.2, ठीक है ना, एक्स बराबर 1.2 है का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ए बताओ कितना होगा। यक्ष का मान 1.2 है का आप बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यक्ष का मान कितना होगा। तो जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ इस प्रकार बातें करता है कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ओके, 1.2 आपको यहीं कहीं मिलने वाला है, इसके पीछे वाला, लेफ्ट वाला। हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को प्राप्त करने के लिए, को प्राप्त करने के लिए हमेशा किधर चलते हैं, लेफ्ट की ओर। जहां पे खड़े हो उससे लेफ्ट की ओर चलो, 1.2 है ना, उसके लेफ्ट की ओर जब इंटीजर मिल जाए। इंटीजर, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 इसे पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो इसका हो जाएगा मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो ऐसे कोई कहता है x बराबर 2.4 का बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो 2.4 कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा, तो लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आपकी आ रही होगी। और मान लो तुमसे कहता है, तुम्हारे सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं ना, 2 का बताओ, तो 2 के लिए खुद वो इंटीजर खुद बढ़िया सा बन रहा है, इंटीजर खुद बढ़िया सा बन रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। बस इंटीजर खुद है तो इसका तो 2 ही होगा ना। पॉइंट में बात होती है, पॉइंट वाली बात जब भी होती है उसके लेफ्ट में खड़े हो जाओ, वही जो खड़ी खड़ी वैल्यू मिल जाएगी ना इंटीजर के रूप में, वही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये आप अभी सोच रहे होगे, सर ये बताओ, ये जब तुम इससे छोटी वाली वैल्यू को पकड़ रहे हो तो बताओ कि इसको महत्तम पूर्णांक फलन यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों बोल रहे हो? ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हो सकता है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि आप 1.2 को जब 1 बोल रहे हो इंटीजर फंक्शन के रूप में ग्रेटेस्ट वाले, तो यार छोटा वाला पकड़ के ग्रेट वाला बोल रहे हो क्या माजरा? तो देखो जरा, पीछे चलने पर इसका मतलब ये होता है कि पीछे चलने पर बताओ एक से बड़ा कोई है क्या, इधर चलने पर, लेफ्ट में चलने पर एक से बड़ा कोई है क्या? नहीं ना, सबसे बड़ा यही है पीछे चलने पर, तो ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। चलो यक्ष का मान मैंने बोला 8.9 रख लियो, तो बताओ इंटीजर फंक्शन का मान कितना होगा इसके, तो बोलोगे सर 8 होएगा। यक्ष का मान मैंने बोल दिया बताओ 2.5 है, तो तुम बोलोगे सर इसका मान होएगा 2 होएगा, सही है ना। चलो यहां तक आप बात में पकड़ में आ गई। अभी मैं आपसे एक सवाल करूंगा, अभी आप चित्त हो जाओगे, नहीं बता पाओगे, सर कहोगे माफ करना। आ जाओ, मैंने पूछा यक्ष बराबर माइनस
1.8, इसका बताओ कितना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं जानता हूँ तुम बोलने वाले हो सर माइनस बना देगा, गुड गुड, यही है ना मूर्ख कहीं के कुछ नहीं आता। देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, माइनस का माइनस 1 का यहीं पे कहीं कहीं होगा माइनस 1.8, इसके लेफ्ट में चलोगे तो कितना आएगा, लेफ्ट में चलोगे तो माइनस 2 आएगा, हो गया ना परेशान, माइनस 2 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब तक नंबर लाइन बना लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फंस जाओगे। मान लो x इज इक्वल टू, मैंने बोल रखा कि माइनस 2.8 है, तो बताओ कि इसका इंटीजर ग्रेटेस्ट वाला कितना आएगा, तो बोलोगे माइनस का 3, क्योंकि इधर मिलेगा ना माइनस 2.8 यहीं कहीं मिल जाएगा और यहाँ पे माइनस 3 मिलेगा। लेफ्ट में चलना पड़ेगा पूर्णांक पाने के लिए। x बराबर माइनस 4 हो तब तो इंटीजर फंक्शन भी क्या हो जाएगा, वही 4 ही हो जाएगा। तो आपने इस बात को समझा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपने समझा, माइनस में होगा तब क्या माजरा आएगा, जब प्लस में होगा तब माजरा क्या आएगा, पॉइंट पे काम करता है और इन सब पे नहीं काम करता है, ये सब तो वही है इंटीजर खुद है, तो इंटीजर क्या बनाओगे खाक, ये बड़े वाले ब्रैकेट में बात करेगा हमेशा, ठीक है ना। इसका ग्राफ बनाते हैं एक बार बच्चों, इसका ग्राफ बनाने के लिए हम आपको कुछ अंकों की हेल्प देंगे, कुछ अंकों का हेल्प देंगे, परेशान ना होना। एफ एक्स बराबर, अभी भी पढ़े हो, वाई बराबर एफ एक्स बराबर, यही पढ़े हो, नहीं यही होता है ना, एक्स वाई एच पे चलना है, ग्राफ बनाना है अच्छा सा, बढ़िया सा, खूबसूरत सा, जो आपको अच्छा लगे। मैंने बोला एक्स बराबर 1.2, तो बताओ एफ एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान 1.2 ले लोगे तो एफ ग्रेटेस्ट में है ना तो 1 आ जाएगा। मैंने बोला एक्स बराबर ले लो 1.3, तो एफ एक्स का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैंने बोला एक्स का मान ले लो 1.8, तब भी एफ एक्स का मान क्या आएगा, 1 आएगा। मैंने बोला एक्स बराबर ले लो 1.9, तब भी एफ एक्स का मान कितना आएगा, 1 आएगा। मैंने बोला एक्स का मान ले लो 2, तब भी एक्स का मान कितना आएगा, तब 2 आएगा। यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कमाल है, बस देखना है यहाँ पे। देखो जरा, आप जब एक्स बराबर यहाँ पे बना लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ठीक है ना। अब इसका बनाते हैं छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। जब भी x का मान आप ले रहे हो, अब यहाँ पे अभी लिख लो, जब x का मान 1 ले लोगे तो f x का मान क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। ये वास्तव में f x है क्या यार, y है, नहीं f x y को रिप्रेजेंट कर रहा है ना बार बार। चलिए आ जाइए यहाँ देखियो, मैंने बोला x का मान 1 से 2 तक, यहाँ पे 1 इंक्लूड है 2 इंक्लूड नहीं है, एक क्लोज ब्रैकेट है ओपन ब्रैकेट, कमाल तो जानते हो इनका है ना, कि ओपन ब्रैकेट में जो बगल वाला होता है इंक्लूड नहीं होता है, क्लोज ब्रैकेट के जो बगल वाला होता है इंक्लूड होता है। 1 को ले लिए हो, 2 को नहीं लिए हो, यानी कि ऐसे बोल सकते हो, जब x का मान हमने 1 से लेकर 2 तक, 1 इंक्लूड है 2 नहीं इंक्लूड है लिया, तो y का मान हर बार क्या आ रहा है, देख रहे हो ना, हर बार 1 आ रहा है। 1 से 2 तक जब x का मान आप 1 ले रहे हो तब भी 1 आ रहा है, जब x का मान 1.1 ले रहे हो तब भी 1 आ रहा है, जब x का मान 1.2 ले रहे हो तब भी 1 आ रहा है, जब x का मान 1.3 ले रहे हो तब भी 1 आ रहा है, x का मान 1.4 ले तब भी 1 आ रहा है, x का मान 1.9999 ले तब भी 1 आ रहा है, ठीक है ना। 2 तक, लेकिन 2 नहीं शामिल है, 2 ले तो 2 आ जाएगा, जब इतना मान ले रहा है तो y का मान 1 ही आ रहा है, यानी कि जब x का मान मैं 1 लेता हूं, यानी कि यहां पे पॉइंट, यहां पे क्वार्टर, यही होता है, आपने 11th बहुत बढ़िया से सब पढ़ा है, यानी कि 2 नहीं शामिल है 1 शामिल है। जब मैंने यहां तक के पॉइंट को लिया तो हमारा जो ए फंक्शन है ना, फंक्शन ए, इसको y यहां पे, यानी कि y का मान यही है, इन सब x के लिए y का मान यही है, यहां से यहां तक x कुछ भी हो y का मान एक ही आएगा, ये नहीं इंक्लूड है, समझ में आई बात ना, यहां से यहां तक यार x का मान कुछ भी ले लो y का मान एक ही आएगा। चलो अब आ जाओ, x का मान मैंने कहा 2 से लेकर 3 तक आओ, तब y का मान कितना है, अब यहां से यहां तक पकड़ लोगे तो यहां पे फंक्शन उठ के भाग आएगा, लो देख रहे हो ना इतना आएगा, नहीं जब y का x का मान 2 से लेकर 3 तक, 3 नहीं इंक्लूड है, तो y का मान कितना आएगा, 2 आएगा। अरे भाई मान लो x बराबर 2.3 है तो बताओ इंच का मान कितना आएगा, यही तो वास्तव में f x है, यहां से
तो दो आएगा, तो वाई का मान यानी कि यहां से यहां तक जब यक्ष ले रहे हैं कुछ भी ले रहे हैं तो वाई का मान दो आ रहा है। तीन से चार तक आ जाओ, तीन से चार तक कुछ भी ले रहे हो तो वाई का मान तीन आ रहा है, चार नहीं शामिल है। ये पॉइंट ये बताता है कि तीन शामिल है, एक क्वार्टर क्या होता था, चार नहीं शामिल। यानी कि ऐसे आ जाओगे चार पाँच पे आ जाओगे तो ए वाला बन जाएगा, नहीं ऐसे यहाँ आ जाओगे यहाँ पे देखो जरा, एक से लेकर यहाँ तक ए, रुक जाओ एक मिनट, हाँ यहाँ पे भी ले लो, यहाँ पे यहाँ से जीरो से लेकर के यहाँ तक कुछ भी ले लोगे तो जीरो ही आएगा, जीरो से लेकर कुछ भी ले लो। अरे भाई 0.9 लोगे तो इसका भी कितना आएगा, इसका भी आएगा जीरो आएगा। और क्या, इसके लेफ्ट में हमको चलना है, लेफ्ट में बार बार चलना है, ठीक है ना। आ जाओ अब यहां पे आ जाओ, आप माइनस एक से यहां पे देखो जरा, माइनस एक से जीरो तक कुछ भी ले लोगे, ऐसे ये वाला ब्रैकेट ऐसे बनाओ, माइनस एक से जीरो तक कुछ भी ले लोगे यहां तक, तो फंक्शन का मान वाई में कितना आएगा, माइनस एक ही आएगा। यहां पे कोई पॉइंट लोगे तब भी इतना आएगा, यहां भी कोई लोगे तब भी, यानी कि इसके लिए वाला बनेगा, इसके लिए माइनस दो से लेकर यहां तक क्वार्टर लगाओ तब इतना, मतलब कि वाई का मान दो आएगा माइनस का। यहां से यहां तक आओगे तो वाई का मान माइनस का तीन आएगा, यहां से यहां तक आओगे तो वाई का मान माइनस का चार आएगा। नहीं यहाँ पे देखो, मैंने बोला यहाँ पे क्या शामिल है, 3.4 माइनस का, इसका बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 वाई का मान आया। तो मिलाओगे तो बढ़िया से देख रहा है, हर जगह ब्रेक कर रहा है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर पॉइंट में लेके चल रहे हो, पॉइंट में देख रहे हो ना, पॉइंट में लेके चल रहे हो तो हर जगह ब्रेक कर रहा है। अगर पूरा पूरा खड़ा खड़ा मान लेते तो पॉइंट पॉइंट मिलता आप बना देते बढ़िया सा, लेकिन जब भी आप पॉइंट पे वैल्यू लेके चल रहे हो तब ये पूरा फंक्शन टूटा सा लग रहा है। महत्तम पूर्णांक फलन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यहाँ पे देखो जब भी आप पॉइंट में सारी वैल्यू टेकअप कर रहे हो तो दैट टाइम क्या हो रहा है कि जो फंक्शन है ना हर एक पॉइंट पर टूट जा रहा है, यहाँ पर कुछ और हो रहा है, इनको मिलाओगे ना मेरे भाई तो ऐसे बनेगा, ए हो जाएगा बीच वाला जो पोर्शन, ये समीकरण है वाई बराबर एक्स का, और ये समीकरण जो ये वाला मिलाओ क्वार्टरों को मिला लोगे तो ए है वाई बराबर एक्स माइनस वन का, उनसे एक कम हो जा रहा है। तो आपने इन समीकरणों को समझा कि ये वाला समीकरण सीधे सीधे क्या बता रहा है, वाई बराबर एक्स, वाई बराबर चार चार, देखो तीन तीन, ये क्या है दो दो, यानी कि जो एक्स पे वही वाई पे, और ये वाला इक्वेशन क्या बता रहा है, वाई बराबर एक्स माइनस वन, ये वाला इक्वेशन, ये वाला क्वार्टर वाला इक्वेशन जो बन रहा है वाई बराबर एक्स माइनस वन क्यों बता रहा है, क्योंकि आप देखो जब यहाँ पे क्वार्टर का मान एक्स में चार है तो वाई का मान कितना आ रहा है, तीन आ रहा है। जब क्वार्टर पे एक्स का मान चार है तो वाई का मान वास्तव में कितना आ रहा है, एक घट के आ रहा है ना। जब क्वार्टर का मान एक्स पे तीन है तो इसका मान वाई पे कितना आ रहा है, एक कम दो हो जा रहा है। तो ये समीकरण हमारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि ये वाई बराबर एक्स को रिप्रेजेंट करता है, जो पॉइंट पॉइंट लगा है, और जो खोखला खोखला है ना वो वाई बराबर एक्स माइनस वन को रिप्रेजेंट करता है। मान लो यहाँ पे आ जाओ, इस वाले पॉइंट पे आ जाओ, दो पर आ जाओ, तो जब एक्स का मान क्वार्टर के लिए दो है तब वाई का मान एक है, अब पॉइंट के लिए जब एक्स का मान एक है तो वाई का मान भी एक है, इसके इस समीकरण के लिए, इसके लिए तो सही है, इसके लिए एक कम हो जा रहा है, इस बड़े वाले के लिए एक कम हो जा रहा है। नहीं एग्जाम्पल भी आपने देख लिया, इसका आपको मैं एक अच्छा सा बताता हूं प्रॉपर्टी, एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी इसकी बताता हूं जो आपको देख के आश्चर्यचकित हो जाओगे कि मॉड, अरे सॉरी इंटीजर ऐसे, इंटीजर ऐसे ठीक है ना, बराबर आता है माइनस एक, इसको प्लस इसको माइनस कर लो ऐसे। हाँ अब कहोगे सर ये क्या हो गया, इंटीजर एक्स प्लस इंटीजर वाला ग्रेटेस्ट वाले माइनस लगा दिया, माइनस एक आएगा कब, व्हेन एक्स बिलोंग ना करता हो इंटीजर से, एक्स पॉइंट में हो, जैसे मान लो एक्स बराबर 4.9 ले लिया प्लस माइनस 4.9 बराबर माइनस एक होगा कि नहीं, मैं चेक करता हूँ, इसको ग्रेटेस्ट जब निकालोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस इसको जब निकालोगे इंटीजर से तो क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा, यानी कि 4 माइनस 5 माइनस 1 आएगा।
इसकी प्रॉपर्टी आप अच्छे से याद रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये माइनस एक आएगा, ये एक्स एक्स है बशर्ते एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है, ध्यान देना। जैसे मान लो 6.4 ठीक है ना, और प्लस माइनस 6.4 तो ये देखो ये 6 आ जाएगा तो इनको तोड़ेगा और ये आएगा माइनस 7 माइनस 1 आलवेज माइनस 1 आएगा। ये वाला प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको लगाने का मैं हुक्म देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, दर्शाओ कि जी एक्स बराबर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ एक्स उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो एक्स से बराबर या एक्स से कम है, दोनों है नहीं, या तो एक्स के बराबर है एक्स से कम है। अब कितना कम है थोड़ी किसी को पता है, या तो 4 है या तो 3.99 3.88 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि समस्त असंतत है, ये दर्शाना है कि सभी पर असंतत है। तो देखो जरा, मैंने इस पे क्वेश्चन आपको लगवा भी दिया है, इसको मान लो पहला फंक्शन पी एक्स ठीक है ना, इसको मान लो दूसरा फंक्शन एफ एक्स। पी एक्स तो पॉलिनोमियल में आएगा कुछ भी, इसके लिए तो हर चीज हो जाएगा संतत। लेकिन जो ये इंटीजर वाला है ना फंक्शन, ये देख रहे हो ना हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, ग्राफ टूट रहा है, यहाँ से यहाँ भाग जा रहा है, हर एक पॉइंट पर टूट रहा है, तो ये असंतत हो गया। और आप जानते हो कि दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स अगर असंतत हैं आपस में, एक मान लो एक संतत है एक असंतत है, तो पूरा का चाहे योगफल हो चाहे गुणनफल हो चाहे घटाना हो चाहे भाग हो, सब क्या हो जाता है, सब डिसकॉन्टिन्यूअस ही होते हैं, सब असंतत होते हैं। अगर ये दोनों संतत तभी होगा जब ये अभी संतत हो या अभी संतत हो, हमने सॉल्व किया ये तो संतत पाया, वैल्यू मान लो सी पर रखना इसको एक्स बराबर सी पर, तो ये तो लिमिट निकालना सी पर मान निकालना, ये तो आ जाएगा संतत है। लेकिन ये हवाला आपको ग्राफ बना के बताना पड़ेगा, इस ग्राफ से हमको पता चलता है कि असंतत है। और चूंकि एक ही फंक्शन में जो दो फंक्शन मिले हुए हो चाहे किसी भी रूप में, चाहे योगफल चाहे घटाना चाहे गुणा चाहे भाग, और उनमें से कोई एक असंतत है तो उनका जो एक गुणा भाग माइनस घटाना वाला जो है ना वो भी पूरा क्या होता है, असंतत होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर वीडियो समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना, एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में वैसे से बैठा लो ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना, फिर मिलेंगे आपसे बच्चों हम अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, और हाँ एग्जाम्पल अपनी बुक का जरूर लगाते रहना, और आपके पास अनसॉल्व पेपर है तो लिमिट के सारे क्वेश्चन खोज खास के लगाते रहो, नहीं आता है तो व्हाट्सएप पे मिलते रहो, फिर बताते रहेंगे आपको सब कुछ। तो अब क्या करोगे, अब पढ़ाई करोगे ना, पढ़ाई करो बैठ के। तब तक के लिए आप हंसते रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।